रोजगार को लेकर देश भर में हो रहे सवाल जवाब के बीच एसएससी यानी के कर्मचारी चयन आयोग ने 20 जून 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन में लिखा था कि एसएससी जल्द ही नई भर्ती जारी करने जा रहा है। पूरे 70,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन में कहा गया कि देश में रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए कमीशन लगभग 70,000 अतिरिक्त पदों पर भर्तियां करेगी। इन भर्तियों के लिए कुछ समय में नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। 70,000 अतिरिक्त पदों पर भर्ती की बात तो ठीक है, पर एसएससी जैसे भर्ती बोर्ड ने पिछले कुछ सालों में कितने पदों पर भर्तियां की और कौन सी भर्ती कहां और किस स्टेज में अटकी पड़ी है, ये भी जानना जरूरी है। सबसे पहले एसएससी का काम समझिए। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये केंद्र सरकार के विभागों में भर्ती करने वाली एक प्रमुख संस्था है। इस कमीशन का काम देश के विभिन्न मंत्रालय और विभागों में ग्रुप बी यानी के नॉन गैजेट और ग्रुप सी यानी के नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती करना है। ये भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली देश के सबसे बड़ी भर्ती आयोगों में से एक है। इसके अलावा साल 2016 से ये कमीशन ग्रुप बी गैजेट पोस्ट की कुछ भर्तियां भी करता है। एसएससी तीन प्रमुख एग्जाम कराती है, CGL यानी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। इसके माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में बी और सी ग्रेड के अधिकारियों की भर्ती होती है। ये परीक्षा 4 चरण में होती है। टायर 1-2 का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, टायर 3 डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें निबंध और लेटर लिखना होता है, टायर 4 कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट होता है। दूसरा CHCL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। इसके जरिए केंद्र सरकार लोअर डिवीजन क्लर्क, पोस्ट असिस्टेंट, कोर्ट क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों के लिए भर्ती कराती है। CHCL की परीक्षा 3 चरणों में होती है। टायर 1 में ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, टायर 2 में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है यानी कि पेन और पेपर वाली परीक्षा, टायर 3 में टाइपिंग और डेटा एंट्री स्पीड का टेस्ट होता है। तीसरा होता है MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये एग्जाम विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ग्रेड सी यानी कि नॉन क्लर्क की भर्ती के लिए आयोजित किया जाता है। MTS 2 टायर में होता है, पहले स्टेज में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, दूसरे में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इसमें भी कॉपी पेन से निबंध और लेटर लिखना होता है। एसएससी की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार आयोग ने 12 ऑल इंडिया एग्जाम आयोजित की। इन परीक्षाओं के लिए 1 करोड़ से भी ज़्यादा आवेदन आए थे। इसके अलावा एसएससी ने CHCL 2019 का एग्जाम भी कराया, जिसके लिए 41 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। CHCL एसएससी का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक एसएससी ने 2020-21 के दौरान 68,533 उम्मीदवारों को अलग अलग पोस्ट के लिए चुना था। इसके अलावा 358 उम्मीदवारों को सिलेक्शन पोस्ट के लिए भी चुना गया था। वहीं साल 2021-22 में भर्ती प्रक्रिया में गिरावट देखने को मिली। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 अप्रैल 2022 को संसद में एक सवाल के जवाब में बताया था कि साल 2021-22 में एसएससी ने सिर्फ 29,653 पदों पर ही भर्तियां की थी। इस दौरान कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पिछले 5 साल यानी 2017-18 से 2021-22 के दौरान एसएससी और यूपीएससी द्वारा की गई भर्तियों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया था कि इन 5 सालों में एसएससी ने 1,85,734 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी और 1,74,744 पदों पर नियुक्ति दी। इसी दौरान यूपीएससी ने 27,764 पदों पर भर्ती निकाली और 24,836 को नियुक्ति दी। यानी कि पिछले 5 साल में एसएससी और यूपीएससी ने मिलकर 1,99,580 पदों पर भर्ती की, जबकि 2,13,498 पदों पर भर्ती निकाली गई। एसएससी हर साल CHCL, MTS और CGL की परीक्षा करवाता है। लेट लतीफी के लिए मशहूर एसएससी की इन भर्तियों का पिछले 3 साल में क्या स्टेटस रहा है, आइए जानते हैं। CHCL 2019 में 4,684 पदों पर वैकेंसी आई थी। एग्जाम का फेज 1 अक्टूबर 2020 में कराया गया था, फेज 2 एग्जाम हुआ फरवरी 2021 में और फेज 3 हुआ नवंबर 2021 में। फाइनल रिजल्ट जारी फरवरी 2022 को हुआ, माने ये भर्ती फाइनल हो गई।
वहीं CHCL 2020 में 4,726 पदों के लिए भर्ती आई थी, जिसका फेज वन एग्जाम साल 2021 में अप्रैल से अगस्त महीने के बीच कराया गया था। फेज टू हुआ जनवरी 2022 में, फेज थ्री जुलाई 2022 में होना प्रस्तावित है। माने CHCL 2020 के पदों को अभी तक भी भरा नहीं जा सका है। CHCL 2021 की बात करें तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन मार्च 2022 में हुए, फेज वन की परीक्षा जून 2022 में कराई गई है। CGL 2019 भर्ती में कुल पदों की संख्या 8,428 थी। फेज वन एग्जाम मार्च 2020 में आयोजित हुआ, फेज टू 15 से 18 नवंबर 2020 में कराया गया, वहीं फेज थ्री एग्जाम 22 नवंबर 2020 से कराया गया था। फाइनल रिजल्ट 8 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था। CGL 2020 में 7,035 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए थे। इसका फेज वन एग्जाम हुआ अगस्त 2021 में, फेज टू हुआ जनवरी 2022 में, वहीं फेज थ्री फरवरी 2022 में आयोजित किया गया था। ये भर्ती अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। इसके अलावा CGL 2021 के फेज वन का एग्जाम हो पाया है, जो कि इसी साल अप्रैल के महीने में हुआ था। यानी SSC के दो सबसे बड़े एग्जाम CHCL व CGL दोनों की पिछले दो सालों की भर्तियां भी अभी तक पूरी नहीं की जा सकी हैं। MTS 2019 में 9,069 पदों पर भर्ती निकाली थी। फेज वन एग्जाम हुआ अगस्त सितंबर 2019 में, वहीं फेज टू एग्जाम हुआ नवंबर 2019 में। इसका फाइनल रिजल्ट मार्च 2021 में जारी किया गया। MTS 2020 में 3,972 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। फेज वन एग्जाम हुआ अक्टूबर 2021 में, फेज टू कराया गया मई 2022 में, जिसका रिजल्ट आना अभी बाकी है। माने ये भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। इसके अलावा MTS 2021 का फेज वन एग्जाम इस साल जुलाई के महीने में प्रस्तावित है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन बजट 2022-23 के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो केंद्र सरकार के अंतर्गत 34.65 लाख लोग काम कर रहे हैं। ये आंकड़े 1 मार्च 2022 तक के हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर 2019-20 की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार में स्वीकृत 40.78 लाख पदों में से 21.75% पद खाली पड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार में 92% लोग इन 5 मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। रेलवे लगभग 40%, गृह विभाग लगभग 30%, डिफेंस 12%, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 5.5% और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू 3% से ज़्यादा। अब ये जान लेते हैं केंद्र सरकार में कितनी वैकेंसीज हैं। 3 फरवरी 2022 को केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को बताया कि 1 मार्च 2020 तक केंद्र सरकार में कुल 8,72,243 पद खाली थे। वहीं पिछले साल जुलाई 2021 में सिंह ने सभा में बताया था कि 1 मार्च 2020 तक ग्रुप ए में 21,255, ग्रुप बी में 94,842 और ग्रुप सी में 7,56,146 पद खाली हैं। आपके लिए खबर लिखी थी प्रशांत ने। मेरा नाम है फातिमा जहरा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।